विदिशा जिले गंज बासोदा में जनपद पंचायत बासोदा अंतर्गत आने वाली इस ग्राम पंचायत हरसुद खेड़ी में जिस तरह से पूर्व ग्राम पंचायत सचिव अनंत सिंह विश्वकर्मा द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ग्राम पंचायत हरसुद खेड़ी में किया गया यह भ्रष्टाचार किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को दिखाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि विकास कार्य के नाम पर ग्राम हरसुद खेड़ी पंचायत में जिस तरह सीसी रोड, ग्रेवल रोड, नाली निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार किया गया और गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया गया, ऐसे गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग कर किए गए कार्य किसी को दिखाई नहीं पड़ने के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में बिना मटेरियल टेस्टिंग के गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग करना और जिम्मेदारों का उक्त निर्माण कार्यों का सब कुछ जानते समझते हुए भी मूल्यांकन करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं है तो और क्या है। अधिकारियों का ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने के बाद जांच और कार्यवाही के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना कई तरह के संदेहों को जन्म देता है। हरसुद खेड़ी पंचायत के सरपंच अशोक कुशवाहा का कहना है कि इसके खिलाफ सारे कागज मेरे पास है, अधिकारी नहीं सुनते हैं। कई बार मैं जांच के लिए बोल चुका हूँ, जांच हो जाती है, कागजों में कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं होता। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। पहले अनंत सिंह विश्वकर्मा सचिव से निकाला है, क्या मामला था? दो तीन सड़क ऐसी थी कि मौके पर कुछ काम नहीं किया गया था, उनके ASTS वैल्यूएशन कंप्लीट हो गए थे, उसकी शिकायत में संबंधित कलेक्टर महोदय और जिला CEO को की थी, तो वहाँ से कुछ गमन का एक लेटर आया था उस संबंध में। अब वो गमन कितना भरा है कि नहीं भरा इस संबंध में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। खुली चुनौती दी है अनंत सिंह विश्वकर्मा ने, सचिव के पद होते हुए अगर ऐसी तरह से भर्ती तरीके से जनता का पैसे को निकाल कर पूरा टकार जाएंगे तो ऐसे लोग पर कार्रवाई नहीं होती तो आप पर खड़े क्यों नहीं होते? देखो मैं तो हमेशा लड़ता रहा हूँ, 101 पंचायत में एक ही सरपंच है जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। अब चूँकि अधिकारी है, अधिकारी से शिकायत कर सकती है, और मेरा मानना ये है कि अगर उस पर कार्रवाई हुई होगी तो हमारे जो संबंध वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास उसका डाटा होगा। क्या लगता है जांच हुई थी, जब जांच में कुछ पाया गया था? जांच क्या हुई थी, जांच तो स्पष्ट थी, मौका पर कुछ नहीं था। अब उनने कितना रुपये उनने गमन के रूप में जो भरा है, अगर उन्होंने भर दिया हो तो मेटर डेट्स वन, और अगर नहीं भरा तो वो संबंधित अधिकारी बताए। इस विषय को लेकर अधिकारियों से आपकी बात हुई थी? नहीं, अधिकारी की मेरी कोई बात नहीं, क्योंकि जो लेटर आया था इसके बाद मैं अपने चुनाव में लग गया और चुनाव के बाद मेरी कोई जानकारी नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।